हाँ मैडम, देखिए अभी हमने एक टेस्ट लिया बच्चों का। बच्चे ने खूब बढ़िया याद किया अब तक, जो लिखा है सब सही है, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है। तो जब हम संतुष्ट नहीं है तो एग्जामिनर कैसे संतुष्ट होगा? इसका मतलब यह है कि कमी है प्रेजेंटेशन में। वह कैसे किया जाएगा यह हमने आपको कई बार बताया बेटा, लेकिन फिर भी बच्चे जो है गड़बड़ी कर देते हैं। तो हमारी ये सलाह है कि जो आपको सिखाया जाए उसी पैटर्न पर आपको लिखना है बेटा, ठीक है? अब आइए देखते हैं। देखिए बेटा, ये आंसर नंबर जो भी है आपका 60 आंसर लिखा, लेकिन हमने ये कहा था कि ये जो लाइन है बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए बेटा, यहाँ पे आंसर नंबर 100 एंड 100, 60 आंसर बड़ा ब्रैकेट फ्लेमिंगो, इसको इन्होंने लिखा नहीं, ठीक है? अब ये क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद सीधे जो है इन्होंने आंसर लिखना शुरू किया, लेकिन सही है आंसर जो लिखा है वो सही भी है बेटा, बिल्कुल सही है। लेकिन सच्चाई है कि हमने बताया था कि 60 आंसर ऐसा लिखो जिसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम आ जाए, तो एक नंबर तो बिना सोचे समझे वह आपको दे देंगे एग्जामिनर साहब। तो अकॉर्डिंग टू अल्फांस डाउड द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन, ये लिखने के बाद ये आपको पैटर्न अडॉप्ट करना चाहिए बेटा। नहीं किया तो देखिए प्रभावकारी नहीं हुआ, नंबर आपको पढ़ना अलग बात है, लेकिन आप इसी ढंग से प्रस्तुत करो कि एग्जामिनर का दिल बाग बाग हो जाए, वो सोचे कि यार हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं है। अब देखिए सब उसी ढंग से इन्होंने ये प्रश्न, इन द स्टेशन द टीचर हैड टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट ही वुड आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल बट ही डिड नॉट नो। अब यहां पर देखो, खैर इतना ध्यान से कोई नहीं देखेगा, लेकिन आप जो है जो लिखे उसको सही लिखे ना, ये गड़बड़ है बेटा। अब उसी ढंग से यहां पर भी न तो पाठ का नाम लिखा गया यहाँ शुरू में और न लेखक का नाम लिखा गया, यह प्रभावकारी कम है बेटा, इससे आपको डिफीट मिल सकती है, ठीक है? तो आप इसको सुधारें, ठीक है? अब देखो ये क्वेश्चन का पूरा पन्ना गड़बड़ हो गया, ऐसा ना करो कि पन्ना बर्बाद हो, साफ साफ देखो। फिर वही आंसर नंबर 1 लॉन्ग आंसर, इनको पता नहीं है किस नंबर पर यह प्रश्न पूछा जाता है बेटा। बहरहाल लॉन्ग आंसर किसका है? फ्लेमिंगो का है। तो आप इसको उठा करके इस लाइन के ऊपर लिखेंगे। फिर लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का तरीका बताया था बेटा कि पहले आप द लिखेंगे द लेसन, लेसन का नाम, फिर उसके बाद द राइटर, राइटर का नाम, लेसन का नाम इसमें है द लास्ट लेसन, राइटर का नाम है अल्फांस डाउड। अब ये लिखने के बाद जब आप, यानी कि यह प्रश्न नंबर है, यह पाठ है, यह लेखक है और यह प्रश्न आपका है और यह मेरा जवाब है, और लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम दो स्टेंजा जरूर होना चाहिए। देखिए इन्होंने स्टेंजा जो है नहीं बदला, सीधे घसीट दिया एकदम, बिल्कुल यानी कि चिट्ठी की तरह, घर की चिट्ठी की तरह छापे पड़े हैं। तो इस प्रकार से लिखने पर आपका स्कोर नहीं होगा बेटा, ठीक है? आपका उद्देश्य है नंबर भी पाना ना, आप मेहनत करके पढ़े हो, खूब याद किए हो। अब एक टेस्ट लिया गया तो टेस्ट में तो याद करके इन्हें बच्चे ने लिखा ना, अगर घर से नकल करके आए तो वहां पीछे गलती कैसे मिल गई? इसका मतलब याद किया उसने, थोड़ा बहुत कहीं गड़बड़ है, लेकिन आंसर जो है बिल्कुल सटीक होना चाहिए बेटा। अब इन्होंने जो लिखा न तो इसमें पैरा चेंज किया और न ही मेन लाइन को अंडरलाइन, अंडरलाइन इन्होंने कहीं किया? देखिए कहीं किया? नहीं किया। अब ये जो है इससे आप एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं बना पाएंगे। तो आपको जो हमने बताया उस स्टाइल से जब आप प्रस्तुत करोगे तब आपको नंबर मिलेगा बेटा। अभी यहां पर न तो गुड मिला, न तो वेरी गुड मिला, न तो वेरी वेरी गुड मिला, यानी कि अभी प्रस्तुतिकरण बढ़िया नहीं है, ये संभालना पड़ेगा।